Hello friends, in today's lecture, by continuing the graphical method only, today we are going to consider the same question and we will see how we can find median, or you can say Q2, using both the cumulative frequency curve. Both cumulative frequency curve means less than cumulative frequency curve भी और more than cumulative frequency curve भी, दोनों को use करके हम किस तरह से median find out करने वाले हैं, that we are going to see in this lecture. So students, we are taking the same example, same data, same question what we have already taken for understanding the less than cumulative method and the more than cumulative frequency method earlier in the last lectures. So the same problem I have taken here, see, and the instruction is that you have to find out median using both OGAMs, or you may say both the cumulative frequency curve, that is less than cumulative frequency curve and more than cumulative frequency curve. This data is the same I have taken, so that we can go fast, little bit calculation and other things which is required, that is ready for us and that we are going to use, because you have already taken down the last questions example mein jo humne kiya hai. So student, this is a data, and remember jab instruction mein is tarah se aapko dono OGAMs फाइंड करके या उसको आपको ग्राफ में प्रेजेंट करके उसमें आपको मीडियन लोकेट करने के लिए जब बोलेंगे, तो स्टूडेंट लेट अस सी द सॉल्यूशन पार्ट, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू प्रिपेयर, एंड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन विल कैरी अवर कॉलम्स अबाउट लेस देन सीएफ एज वेल एज मोर देन सीएफ. स्टूडेंट जब दोनों ही ओगाइव का इस्तेमाल करना है, दैट इज लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व जब बनाना है, तो अपने को लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए और साथ में मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनाना है, तो उसके लिए मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम चाहिए. सो व्हाट यू नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन टेबल, दैट यू नीड टू प्रिपेयर बोथ दिस कॉलम्स. एंड स्टूडेंट, इट इज वेरी मच इजी टू अंडरस्टैंड नाउ, बिकॉज ऑलरेडी यू हैव डन with the less than cumulative frequency curve method जो आपने किया है अलग से, और more than cumulative frequency का method आपने अलग से किया है. Just that both these processes you have to combine it. मतलब करने में आपको अभी easy लगना है क्योंकि you have done less than and more than type separately. Now both this method जो हमने separately सीखा है, उसको हम एक graph paper में combine करके लेके आएंगे. मतलब आपके ग्राफ में दोनों कर्व आपको ड्रॉ करना है, लेस देन टाइप का भी एंड मोर देन टाइप का भी, एंड देयरफॉर टू प्रिपेयर दैट कर्व वी रिक्वायर्ड द कॉलम रिस्पेक्टिवली फॉर दैट लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो स्टूडेंट, दिस बोथ कॉलम्स यू नो हाउ वी हैव प्रिपेयर्ड, इवन आई एम रिपीटिंग फ्यू पार्ट्स. एंड रिमेंबर, इन लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व मेथड में हमने स्टेप्स लिखे हैं, उसमें हमें अपर क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल करना है, हमें जब पॉइंट्स को प्लॉट करना है ग्राफ पेपर में. मतलब दिस 10 0 to 10 में जो 10 है उसके अगेंस्ट लेस देन सीएफ का 5 रिप्रेजेंट होगा, 20 के सामने 13, 30 के सामने 35, 40 के सामने 50, 50 के सामने 56 एंड 60 के सामने 60. दैट वे यू विल हैव टू कंसीडर द कोऑर्डिनेट्स टू प्लॉट द पॉइंट, एंड दैट पॉइंट यू नीड टू जॉइन विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड कर्व मेथड. स्केल का इस्तेमाल नहीं करना, आपको मालूम ही है, एंड दैट वे वी विल प्रिपेयर द लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व. साथ में वो हो जाने के बाद we are going to proceed for more than cumulative frequency curve, and for that you read the steps that more than cumulative frequency ki value aapko kiske against plot karni hai,
that particular value you have to plot against the lower class boundaries. Lower class boundary में ये आता है 0 to 10 में 0, उसके सामने आपको 60 मार्क करना है, प्लॉट करना है, 10 with 55, 20 के अगेंस्ट 47, 30 के अगेंस्ट 25, 40 के अगेंस्ट 10 and 50 के अगेंस्ट 4. So student, as such, last लेक्चर्स में हमने जो दोनों मेथड में देखा कि उसमें हमने लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री जिधर भी जिसकी भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने अलग से सेपरेट कॉलम बनाए थे. ऐसा देयर इज नो नीड बिकॉज डायरेक्टली जो आपको अपर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास बाउंड्री मालूम दिख रहा है, मालूम पड़ रहा है, तो डोंट नीड टू प्रिपेयर इट सेपरेटली दैट कॉलम्स. सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि कौन सा हमारा अपर क्लास बाउंड्री है, कौन सा हमारा लोअर क्लास बाउंड्री है. एंड विद दैट coordinates you need to again I will plot that points and then more than cumulative frequency curve apne ko freehand curve ke system se bana lena hai. Ab hoga kya students, aapke paas graph paper mein less than cumulative frequency curve kuch is tarah se aa gaya hoga aur sath mein more than cumulative frequency curve kuch is tarah se aaya hoga. I am giving you idea about the overview after getting your curves, what type of exact diagram you are going to generate. So merely this way you will get this particular layout about this both curves when you draw on a same graph paper. And then what you are finding that this is what the point of intersection that we are generating by drawing both this cumulative frequency curve. Point of intersection, what we are going to get, point of intersection, and that point usko aap exactly x axis pe scale ke madad se straight leke aaiye. Whatever the point you are going to get on that x axis, that particular point is going to be your Q2, or you may say median. Very simple. फिर हमें वो क्लास Q2 क्लास वगैरह ढूंढने की जरूरत नहीं है. वो दो सेपरेट मेथड्स की जो हिसाब थी वो उसको हमें फॉलो करनी है. बट वेन दिस बोथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स आर ड्रॉन टूगेदर in that context, that particular Q2 class or median class, we don't want to find. We are not required only. Just get the point of intersection of both these cumulative frequency curve, and from that point of intersection, draw a straight line on x-axis, which will be a parallel to y-axis, and straight line after that, you see the point which is on x-axis. That is your answer of median. तो स्टूडेंट्स हमने ऐसे भी आगे के दोनों मेथड में Q2 का कैलकुलेशन किया हुआ है. आप अब यहां दोनों को एक साथ ड्रॉ करके इस तरह से Q2 का लोकेशन आप देख सकते हैं विद दिस ग्राफिकल मेथड ओनली. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो दे मे आस्क टू ड्रॉ बोथ दिस क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व टू मेंशन योर Q2, what is that median? Or you may say D5, or you may say P50. Okay, so student, same question इसीलिए लिया है ताकि मुझे calculation के लिए time pass नहीं करना पड़े. आपको method समझाने के लिए मुझे ये example मैं ले रहा हूँ. बाद में हम जो भी exercise के questions है उसको तो हम करने ही वाले हैं. अगर exercise के question में तो क्या जो पूछा है उस हिसाब से हमें presentation देना है उस method के हिसाब से या उस particular पैटर्न से हमको जाना है. बट दिस आर द थ्री थिंग्स फॉर विच आई हैव कंसिडर्ड दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स. कि एक लेक्चर में मैंने लेस देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेथड बताया हुआ है, दूसरे मेथड में मैंने मोर देन क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मेथड बताया, और फिर तीसरे में मैंने दोनों मेथड से Q2 कैसे निकाला जाए दैट वी हैव टू सी. सो नाउ यू प्लीज प्रिपेयर this required columns. As such, less than CF is there ready with you, more than CF just you bring in this particular table alag se aap dekh lijiye. And now you all of you know
how do we prepare more than CF, and you are aware with less than CF very well. So more than cumulative frequency थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, because that is not we are preparing recurringly, but how do we prepare it, उसका system आपको पता होना चाहिए. So with that, now we come to the particular graph paper. मैं आपको हमारा last वाला solution बता देता हूँ. देखो, आप लोगों ने more than cumulative frequency method में lower class boundary लिया हुआ है, और आपने less than cumulative frequency के method में अपर क्लास बाउंड्री लिया हुआ है. ऑल ऑफ यू हैव डन दिस ऑलरेडी, सो यू आर वेरी मच अवेयर अबाउट दिस. सो नाउ ग्राफ पेपर पे मैंने मेजर्स कंसीडर कर लिए हुए हैं. ऑन दिस एक्स एक्सिस आपको 60 तक 10-10 यूनिट्स का गैप, एंड देन ऑन वाई एक्सिस यू हैव टू टेक 5-5 यूनिट गैप ऑफ 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. जो आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो प्रेजेंटेशन है, एक्स एक्सिस यू आर टेकिंग फॉर अपर क्लास बाउंड्रीज एंड लोअर क्लास बाउंड्री. राइट नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बोथ द कर्व्स. सो इन दैट एक्स एक्सिस यू हैव टू राइट नॉट ओनली लोअर क्लास बाउंड्रीज, यू हैव टू राइट देयर अपर क्लास बाउंड्रीज एज वेल एज लोअर क्लास बाउंड्रीज. सो लेट अस नेम दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. सो अपर क्लास बाउंड्री and now on the y axis we are going to take that particular less than cumulative frequency. I'm ready with the graph, and now I'm going to plot our first for less than cumulative frequency curve banane ke liye मैं ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैल्यूज को प्लॉट करता हूँ अगेंस्ट द अपर क्लास बाउंड्रीज. तो 10 के सामने 5, 10 के सामने 5, दिस इज अ पॉइंट. नेक्स्ट 20 के सामने 13, 20 के सामने 13, यहां है 20 और 13 यहां पे आएगा, फिर 15 के नीचे दिस इज व्हाट द 13. नेक्स्ट अवर अपर क्लास बाउंड्री 30 के अगेंस्ट we have 35, so that we will plot 30 k against 35. So it is 35 exact here. So 30 के सामने 35 is done. Next is 40 के सामने 50, 40 यहां है उसके सामने 50 exactly here. ओके, नेक्स्ट 50 के सामने 56, 50 के सामने ये 50, उसके सामने 56 विल अपीयर हियर. एंड 60 के सामने 60, लास्ट 60 इट इज हियर, it is 60. Now this particular less than cumulative frequency के value को हमने plot कर दिया है, उसको अभी हमको free hand curve के method से join करना है, and that particular joining I will make, please
understand how we are actually joining this. क्योंकि शुरुआत से टॉप से हम स्टार्ट करते हैं, इट इज बेटर और विद द हेल्प ऑफ फ्री हैंड कर्व. ओके लास्ट यहाँ जीरो पे प्रीवियस मैंने आपको बोला, ये आपको मालूम है लेस देन सीएफ का ये कर्व बन गया. Now you have to plot points for more than cumulative frequency against lower class boundaries. तो देखो मैंने येलो से मार्किंग की हुई है, जीरो के सामने 60, चलिए जीरो के सामने 60, that is highest point. Then coming to 10 के against 55. Against 10, it will be 55, and then 20 ke against 47, 20 ke against 47, 47, 45 is here, 46 is here, 47 is here. Okay, so ye ho gaya 20 ke against 47. Next 30 against 25, 30 against 25 is exact here. Okay, 30 against 25, then 40 against 10, 40 against 10 is exactly here. And lastly, 50 against 4. 50 against 4. 4, 5 here. Below that, it is 4 here. So, this way, we have plotted the points. Now, we have to join these points. And I will make a free hand curve. So we start with this highest point. Okay, and this way we prepare the more than cumulative frequency curve. Now look at this, both the curve we have made in on the one common graph paper, and with the help of this we are getting here point of intersection. That point of intersection I'm getting this, and students, from that point you prepare a straight line on x-axis. So from this, exactly the straight line will appear which is going to give me the point of intersection from that to on x-axis, and on x-axis I am actually coming to that particular point. That point you can notice there, this is exactly around, I can say twenty-nine, and that is what our answer. So this way we prepare less than cumulative frequency curve as well as more than cumulative frequency curve to locate this Q2 or median. So this way, student, this is a method, this is another method what we can perform to get this median. And now we can write here that from
the graph we can say that Q2 or median is equals to 29 approx. So this way we have generated our Q2. Students, this type of questions they may ask by finding both cumulative frequency curve. You can obtain this median, practice this again and have proper understanding. Thank you, friends.